Hello children, today we have to write letter J in the notebook. आज हमें letter J को notebook में करना है, ठीक है? So which picture is this children? I hope कि आपने practice की होगी, है ना? So ये jellyfish है, J for jellyfish, J जो jellyfish, yes. और ये jellyfish जो हमने बनाई है ना, इसके नीचे जो आपको ये ऐसे धागे धागे जैसे दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? टेंटेकल्स. क्या बोलते हैं ये? टेंटेकल्स. ओके, सो फॉर लेटर जे एक्टिविटी वी आर गोइंग टू मेक जेलीफिश. बट कैसे बनानी है, कैसे बनाएंगे हम? विथ फिंगरप्रिंट्स. ठीक है, आज हम जेलीफिश बनाएंगे फिंगरप्रिंट से. ठीक है, एंड सो फॉर दैट आपको क्या करना है, पिंक कलर ले लो और ब्रश ले लो. ठीक है, और पिंक कलर से अपने इंडेक्स फिंगर, ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर को ऐसे पेंट आप लगा के ले लो ब्रश से. ठीक है, यस, ऐसे आपको पिंक कलर अपने इंडेक्स फिंगर को पेंट करना है. ठीक है, ब्रश से, यस. और अभी आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को प्रिंट करना है कॉपी पे. कैसे करना है देखो, इस तरह से करना है. ठीक है, देखो ठीक से देखना, आपको इस तरह से प्रिंट करना है, अच्छे से आराम से कर लो. ठीक है, यस, ये देखो हो गया ना प्रिंट, यस. तो इंडेक्स फिंगर की हमारी प्रिंट हो गई, यस. नाउ अभी हमें इसके टेंटेकल्स बनाने हैं, है ना, ड्रॉ करने हैं. तो आप क्या कर लो, ब्लैक स्केच पेन ले लो और इससे आप ऐसे टेंटेकल्स बना लो. ठीक है, यस, जेलीफिश के टेंटेकल्स आप इस तरह से बना लो. क्या बोलते हैं इसको? टेंटेकल्स, यस. तो ये हो गए जेलीफिश के टेंटेकल्स. और इसको साथ साथ आईज और माउथ भी बना लो, है ना, यस. ये देखो आईज और माउथ भी बन गया. तो ये हो गया हमारा जेलीफिश. क्या है ये? जेलीफिश, जे फॉर जेलीफिश, यस. एंड नाउ वी हैव टू राइट लेटर जे, यस. तो आपको ऐसे थ्री डॉट्स पे जे बनाना है. देखो ये टू डॉट्स तो हमने बना लिए, और तीसरा डॉट आपको मिडल लाइन पे बनाना है. ठीक है, मिडल लाइन पे इसको ज्वाइन करना है, जो मिडल वाली ब्लू लाइन है ना, रेड के नीचे वाली, वहां पे. सो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व एंड स्लिपिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लिपिंग लाइन. देखो डॉट्स कैसे बनाने हैं, अगर आपको डॉट्स पे बनाना है तो ठीक है. अगर डॉट्स ये देखो इस तरह से आपको बनाना है, अगर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर आपको समझ में पैटर्न आ गया है तो. देखो स्टैंडिंग लाइन और कर्व, मिडल लाइन तक कर्व लेके आना ही है, ठीक है, और स्लिपिंग लाइन. तो इस तरह से आपको ये जे बनाना है, और यहाँ पे भी आपको ये पूरा पेज प्रैक्टिस करनी है. देखो किस तरह से मैम बना रही है. अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप थ्री डॉट्स भी बना लो चिल्ड्रन, ठीक है, यस. स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लिपिंग लाइन. ठीक है, थ्री डॉट्स आपको पता चले ना, मैम ने कैसे बताया, यस, ऐसे थ्री डॉट्स होने चाहिए. ठीक है, यस, मिडल लाइन पे आपका कर्व ज्वाइन होना चाहिए, मिडल वाली जो ब्लू लाइन है. ठीक है, सो आपको ऐसे ही लेटर जे की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. सो थैंक यू एंड बाय बाय.